चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गड आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ फ्लो मैच के पेलोज का रिव्यू सो मैं इन पिलोज को काफी टाइम से यूज करी हूँ लास्ट सिक्स मंथ से है मेरे पास ये पिलोज एंड आज मैं इसका फाइनली आप सबके साथ रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये पिलोज बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही करूँ मेरे पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं एंड ये जो पिलोज है ये दो पेरेंट्स में आते हैं एक है एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड एक है एक्स्ट्रा सपोर्ट जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट मैं यूज़ करूँ क्योंकि मुझे जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट पिलोज होते हैं वो पसंद आते हैं एंड मेरे पापा यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट क्योंकि उनको थोड़े हार्ड वाले ज़्यादा पसंद है पिलो तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट वाला यूज़ करते हैं तो दो पेरेंट्स में है दोनों ही पेरेंट्स मेरे पास है तो आज फुल रिव्यू इनका होने वाला है लेट स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग और आगे आगे मैं इसके जो भी फीचर्स है वो बताने वाली हूँ है किसकते है, मतलब हैं है यह, मतलब आपको या तो मार्केट में बहुत ज्यादा थिन पिलोज मिलते हैं या फिर बहुत ज्यादा थिक पिलोज मिलते हैं आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये जो पिलोज हैं इनको आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं जो इसके अंदर कॉटन है फाइबर है उसको निकाल के या फिर ज्यादा ऐड करके ज्यादा थिकनेस कर सकते हैं या फिर कॉटन निकाल के और थिन कर सकते हैं तो इस टाइप से ये एडजस्टेबल है एंड एक और बहुत खास बात है इस पिलो की वो ये है कि इस पिलो का जो फैब्रिक है वो एलोवेरा इन्फ्यूज फैब्रिक है मतलब जब भी फ्रिक्शन होता है हमारा स्किन जब भी पिलो से टच होता है तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से जो एलोवेरा होता है वो बर्स्ट होता है हमारे स्किन पर हमारे स्किन को हाइड्रेटेड एंड यूथफुल बनाने में भी काम आता है सबके तो स्किन के लिए भी इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सो so, अब मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ कि पिलो एक्चुअली में है कैसे तो मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुकी हूँ इसकी क्योंकि मुझे पहले देखना था कि कैसे हैं तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा इन्फ्यूज़ है और ये प्राउडली मेड इन इंडियन ब्रांड है सो या फ्लो फ्लोमेट्रेस इंडियन ब्रांड है और इसके जो पैकेजिंग है आउटर कुछ इस तरीके से आती है तो ये जो है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट वाला इसके अंदर माइक्रोफाइबर की फिलिंग हो रखी है ये जो बाहर का आप कवर देख रहे हैं आउटर कवर ये वॉशेबल है इसको वॉश कर सकते हो आप एंड ये एलोवेरा इन्फ्यूज्ड है जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर की तरफ से तो इधर ज़िप है इधर से आप इसको जिप ओपन करके देन तो इनर एक और कवर है वहाँ से आप उसकी भी ज़िप ओपन करके फीलिंग निकाल सकते हैं साथ में ये एक ज़िपलॉक वाला इनवेलप जैसा तो इसमें आप एक्स्ट्रा अगर आप निकालना चाहते हैं क्योंकि मुझे बहुत पतला पिलो पसंद है तो मैंने इसमें से जो माइक्रोफाइबर्स थे उसको निकाला एंड इस जिप लॉक वाले में रख दिया ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम कॉटन वाला कॉटन की तरह है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आपके अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट पिलोज पसंद है देन डेफिनेटली ये वाला आप चेकआउट कर सकते हैं सो so, जितनी फिलिंग मुझे निकालनी थी वो मैं निकाल के इस जिप वाले में रख दूँगी और अगर इन फ्यूचर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे नीड है हैवी करने का थोड़ा सा तो मैं इसको दोबारा फिल कर दूँगी तो कुछ इस तरीके से आप इसको साइड रख सकते हैं एंड देन आप इसको वॉश भी कर सकते हैं आउटर इनर इनको वॉश भी कर सकते हैं सो ये जो ऑरेंज पाइपिंग के साथ आप देख रहे हैं ना इस पिलो को ये तो है एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला पिलो और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट है ये तो फर्स्ट तो ये हो गया देन नेक्स्ट जो है वो है एक्स्ट्रा सपोर्ट ये है फ्लो एडजस्टेबल पिलो एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ तो इसकी जो है ये ग्रीन कलर की पाइपिंग के साथ आता है इसका भी जो ऊपर का कवर है आउटर कवर ये एलोवेरा इन्फ्यूज़ड है आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड ग्रीन सो आपको मैं डिफरेंस दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सॉफ्ट लग रहा है आपको ये थोड़ा सा थिक है उससे और थोड़ा सा हार्ड है जैसे कि एक्स्ट्रा सपोर्ट वाला है थोड़ा सा हार्ड है और इसमें भी सेम जैसे कि आपने उसमें देखा वैसे ही एलोवेरा इन्फ्यूज के साथ है एंड जिप जिपर है इसमें भी और उसमें भी इसमें भी आपको एक एनवेलप मिल जाता है दोनों का ही प्राइस नाइन नाएं नाइनटी एट समथिंग है तो लिंक मैं आपको इसका जरूर आपको दे दूंगी तो इसका थोड़ा सा हार्ड है वो वो प्योर कॉटन जैसा था बिल्कुल ये थोड़ा सा माइक्रोफाइबर थोड़ा सा हार्ड टाइप में है क्योंकि सपोर्ट वाला है सो तो इसकी भी फिलिंग हम साइड करके रख देंगे और कुछ इसी तरीके से आप इन पिलोज को एडजस्ट कर सकते हैं एंड या दैट बहुत ही सिंपल है इसको एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे पिलोज सो आई होप आपको इस पिलो का रिव्यू पसंद आया होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनको बाय करने के लिए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है नाइन हंड्रेड एटी नाइन समथिंग के ये मिल जाता है आपको वन पिलो और इतना ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लाइक फुल नाइट आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होगा इस पिलो पे तो मेरी तरफ से डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं थम्स अप है मेरी तरफ से और अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है थैंक यू बाय